आए हाय, हमेशा की तरह बिस्मत मारा यही होता है, जल्दी रहती हो तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे चावलों का दम खुल गया है। अब ये दोनों डिसाइड करे, तू अल्लाह तो कहना तू अल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बड़े शौर आपको वेलकम करती हूँ अपने प्यार से चैनल में। तो कैसे आप, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे नई हर वीडियो मिलती रहे। तो आज बारह नबी लवल है, जो कि आप सबको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था। तो पैदाइश का दिन है बारह रबी अव्वल। तो आज के दिन हम जो भी करते हैं आप सब जानते हैं। तो आज के दिन हम भी अपने घर में थोड़ा सा छोटा सा ना मिलाद करेंगे अपने हैसियत के मुताबिक। तो मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी कि आज जैसे हम अपने घर में बारह रबी अव्वल मनाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग और हम मिल के स्टार्ट करते हैं और बारह रबी अव्वल मिलके मनाते हैं। और आप भी मेरी इस मिलाद में, इस नात, इस कुरान खानी में शामिल होइएगा और आप भी दुआएं करें और हम भी दुआ करें, ठीक है। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, टाइम स्किप करते चलिए मेरे साथ। सबसे पहले तो आप अब्दुलरहमान से, मेरे भाई से मिलें, जो कि अपने छोटे से नन्हे से मुन्ने से आईफोन के साथ लगा होता है, ठीक है। और ये देखिए फामा, हेलो फामा। अब ऐसा है कि मैंने ना, ये आप देख सकते हैं, इस जगह को साफ़ की है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेज़ रखा है और छोटा सा कपड़ा बिछाया है जिसपे हम बैठ के कुरान पाक पढ़ सकें, ठीक है। ये जो है ना हमने बिछाई थी और मैं फातिमा ने ना ख़राब कर दी। अब अब्दुलरहमान को मैं कह रही हूँ यहाँ पे बिछाए, चल रहमान बिछा, इसको उठा दे। बस हूँ तुम अब्दुलरहमान की बिछानियाँ वे देखो, बिस्मा ने अपना नया सूट निकाला है। शुक्र करो बेचारी ने अपना नया सूट पहन लिया, वरना तो ये बेचारी पहनती ही नहीं, संभाल के रखती है। और अब हम यासिन सूरत पढ़ेंगे, ठीक है। हम मिलके ईद मिलाद नबी भी मनाते हैं और इस मरतबा की ईद मिलाद नबी आप हमारे साथ मना रहे हैं। अब यासिन पढ़ना शुरू हो गए हैं ये दोनों। मैं भी अपनी यासिन पढ़ती हूँ, यासिन पढ़ के फिर मैं आपसे आगे कॉन्टेक्ट करती हूँ। हम यासीन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारी बिल्लियाँ भी खामोशी से बैठी हैं। और यहाँ पे ये हमारे जो हमने चावल बांटने हैं उसकी यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। ये चने बॉईल करके रख दिए हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है, खाएगा धुआं हो गया। ये दोनों अभी तक यासीन पढ़ रहे हैं, मैंने यासीन अपने ख़त्म कर लिए। ये दोनों अभी यासीन पढ़ रहे हैं, मेरी यासीन अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गई है और अभी मैं दुरूद पाक पढ़ती रहूँगी जब तक इनकी यासीन ख़त्म नहीं हो। अब ऐसा है कि मैंने यासीन पढ़ ली और मैं आपको किचन में जाके बाकी की अपडेट भी देती हूँ चावलों की, ठीक है। ये चावलों का माशाल्लाह से मसाला हो गया है और ये देज का देखें, जो हम जिस देज के में पका रहे हैं। और ये बीच में जा रहे हैं जी चिट्टे चने और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। देखिए वाइट चने जा रहे हैं और मसाला मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। ये वाइट चने डालेंगे और मैं साथ साथ आपको अपडेट इसकी ज़रूर साथ देती रहूँगी। अब ये इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको ना हम भुनाई करेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे अपडेट दूँगी। अब इसको देखो, ये इतनी उत्ते क्यों चढ़ी हुई हैं तू, हैं हादी हो गई, आज ही नेक होना इन्हें। ये मेरे घर का वो सबसे वेला बच्चा है ना जिसने कोई काम धंधा कुछ नहीं करना, सबसे लेट अब्दुलरहमान की यासीन है जब तक खत्म नहीं हुई। अब बिस्मा को, बिस्मा ने कहा है कि बिस्मा ने मौजा पढ़ना है, अब बिस्मा मौजा पढ़ेगी और मैं वो आप सबको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुनाऊंगी। अल्लाह पाक आप सबको भी तौफीक दे और अल्लाह पाक आप सबके काम नेक बढ़कर डाले, आप सबको नेकी खिताते और आप सबको बुरे काम से बचाए, रिस्क रोजी में भी बढ़कर डाले। और ये अब हमारी बाजी मौजा पढ़ेंगी और हम सब मिलके सुनेंगे, चलो बिस्मा। तुम्हें नहीं पता कौन सा तुम मौजा पढ़ती हो, ये भूल गई हो, चल जल्दी फातिमा पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहर ईरान में एक लंगर
ऊंची आवाज में पढ़ो। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाया के घर से सिगरेट खाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाया औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की, सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब भी खाने के लिए दे दे। ये लोग जब इनको बनाओ तो मुश्किल गुस्सा का खत्म दूर दिलाना सलाह। जब बुलक पर हड़ा होश में आया तो देखा कि वो संगीरा इसके हाथ में थे, घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देख की मिठाई पर खत्म दिलाते। वालदा खामोश रही। कुछ दिन के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्सा करने के लिए गईं कि यकायक कबूल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्सा करने के लिए। अब यहाँ पे हम अपने चावलों को नाप रहे हैं, कितने हमने चावल बनाने हैं। ठीक है, ये हमने अपने चावलों को नाप लिए और ये साथ में हमारे चने भुज रहे हैं जी। माशाल्लाह बहुत प्यारे है। जिस चीज़ में अल्लाह का नाम आ जाए या अल्लाह के नाम पे बनाई जाए उसमें तो माशाल्लाह वैसे ही बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। महल के आगे दीवार खड़ी है, लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार थी उसको पानी महल करके लड़के के मुंह में डाल देना चुनाते। इस आदमी ने ऐसा नहीं किया, जूं ही पानी का खतरा लड़के के हालत। मेरे पास बाप, मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा हूँ आपकी खिदमत करूँगा। सलात ए लंगर सकीना जाद अम्बिया अहमद जायब बढ़ तेरे फिदा, महरूम कोई आपके दर्शन नहीं किया कीजिए दूध मुराद ता हम कभी शिफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परवरदिगार आलिम तुफील अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक और खुसूसन हज़रत अली शरीफ खुदा मौला मुश्किल कुशाद और जहाँ जिस तरह लगकर हर एक मुश्किल को हल फरमाया से आमीन। दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को बढ़ा और हमें दुरुस्ती अमाल और फलाह फरमा आमीन। अब ये हमारे चावल धुल रहे हैं माशाल्लाह। और इसका भी मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ, ये अभी तक हमारा पानी बॉयल नहीं हुआ, इसमें हम फिर माशाल्लाह से चावल डालेंगे। और अभी मैं यासिन पढ़ के फ्री हुई हूँ लेकिन इनका ना फिर वो किचन में आ गई और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कहाँ तक पहुँच। ठीक है, ये पीछे से बिस्मा बकवास कर रही है। ये देखिए हमारे चावल बन गए हैं। तुम अपनी ना बकवास लेके चली जाओ लंगड़ी। आपको पता है इसके पाँव पे क्या हुआ है, ये नमाज नहीं पढ़ती तो इसको कोड़ चल गया है, कोड़। और ये देखिए बिस्मा के काम क्या कर रही है। बिस्मा तुम अपने मुंह के जितना गुब्बारा फुला रही हो, मत करो, सारी हवा तुम्हारी अंदर से निकल जानी है। बिस्मा बच्ची है, ये देखिए कैसी आवाज निकाल रही है और कैसा मुंह बना रही है। इनके काम देखें, ये जो जगह मैंने बनाई थी वो सारी इन्होंने बेड़ा गड़ा कर दी और इनकी शक्लें देखो। दुर्रहमान इतनी मेहनत करके गुब्बारा फुला रहा है तो हमारा फर्ज है हम नेक काम करें। हेलो मानिक, एक मिनट मानिक, एक मिनट दिखा हुंदा ना पकड़े मनोज। फाइनली वो स्टेज आ गई है कि हमने इसको दम पे दे दिया, अब हम इसका वेट करेंगे। तो जी हमने यासिन भी पढ़ ली और बिस्मा ने मोज़ा भी पढ़ लिया। अब हमने जो चावल बनाए थे वो हम बना के वो भी हमारा हो गया। अब हम इसको खोलते हैं दम बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ये हमारे चावलों का दम खुल गया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बिस्मा चमचा लाएगी इसमें, ठीक है, अच्छे तरीके से लाएंगे बिस्मा, अल्लाह कबूल करे। और आप सबको बारह डबल डबल बहुत बहुत मुबारक हो। ध्यान से चमचा ला अच्छे से, बिस्मा चमचा ला रही है।
चमचा हिला रही है, हिला दिया उसने चमचा। वैसा है कि हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, मगरिब हो जाए, मगरिब के बाद हम इंशाल्लाह फिर चावल बांटते हैं और अभी हमारे साथ रहेगा। अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं, पहले हम हमसायों को देंगे फिर हम गली में बांटेंगे बच्चों को। अब इसमें परात भर रही है जो कि हमने बांटने हैं नीचे बच्चों को। अल्लाह खैर, आए हाय, हमेशा की तरह बिस्मत तुम्हारा यही होता है। बात तो सही है। जल्दी रहती हो तुम, गिरा ना दही परात रखी हुई तो किस तरह है। अब हम नीचे जा रहे हैं बांटने के लिए। अब ये दोनों डिसाइड करे, तू वाला तो कहना तू वाला। प्लेटा का क्या, फिर दस्ती आन गए। ध्यान से डाल। प्लेटें ले आओ बच्चो। प्लेटों वाली आवाज लगाओ। आवाज लगाओ भाई, फिर आवाज आएंगे बच्चे। हाँ बच्चों को बांट के आइए, थक गई बड़ा ज्यादा अपनी प्लेट पर। Yes. जी तो फ्रेंड्स, अब हमने चावल भी बांट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह कबूल फरमाए, खा भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत 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 मज़े का था। और बारह रबी अव्वल हमने इस तरह मनाई, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि ये बारह रबी अव्वल का हमने दिन मनाया था अच्छे तरीके से। तो आपको अच्छा लगा होगा हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमें चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरा वॉच टाइम करवा दें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ करवा दो, गरीब का काम हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप सबको मेरी तरफ से बारह रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें हमेशा, बाद रखें अपने अपने घरों में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फातिमा आ गई है, अल्लाह बाय बाय।